हेलो, ARV अजीत चैनल की तरफ से सबको नमस्कार। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। आजकल एक महामारी चल गया है, कोरोना। कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे शुरुआती लक्षण में ही कैसे घर पे ठीक कर लें, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ये सब लक्षण हैं। और कोरोना ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादातर होता है, ऐसे उनको शुगर की बीमारी हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और ओल्ड एज हो, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, होने के चांस सबसे ज़्यादा रहता है। वैसे दोस्तों, अगर इस समय कुछ भी हो जाए, फ्लू लाइक जैसे सर्दी जुकाम भी हो जाए, तो लोग कोरोना ही समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ सिम्टम अगर आता है, सर्दी जुकाम बुखार, तो आप बुखार आने पर डोलो 650 mg का टैबलेट खाएं, 3 टाइम एक एक टैबलेट। और ये आपके सामने दिख रहा होगा काढ़ा, आयुष का काढ़ा, ये 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित है। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। इसमें देखिए, इंग्रेडिएंट में आपको तुलसी है, दालचीनी है, गिलोय है, सौंठ, अदरक को सूखे वाले को सौंठ भी बोलते हैं, और ये काली मिर्ची। ये आपको दुकान पे, किराना की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। आप लोग अपने घर पे भी इसे तैयार कर सकते हैं और ये बना बनाया भी आता है। घर पे बना लेंगे तो और अच्छी बात है, घर का हाथ का बना हुआ और अच्छी चीज़ें हैं। इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, तो ये 60 रुपये का मिला है। इसको कैसे प्रिपेयर करके कैसे पीना है, 5 ग्राम आयुष को काढ़ा को 150 ml पानी में उबाल कर दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है, या चिकित्सक के परामर्श अनुसार सेवन कर सकते हैं। इसे मतलब सर्दी जुकाम खोल या कुछ भी हो, ऐसे लक्षण दिख रहे हो, तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए इसमें इंग्रेडिएंट क्या है। आप घर पे खुद तैयार करके इसे काढ़ा के रूप में 2 से 3 टाइम इसे पिए और कोरोना को अपने ज़िंदगी से दूर करें। और जल्द से जल्द भगवान करें कि जल्द से जल्द ये माहौल अच्छा हो जाए, सब लोग पहले जैसे ही लाइफ जिए। दोस्तों, ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोरोना की जांच बिल्कुल फ्री है। पहले आजकल तो कोई जाना भी नहीं चाहता हॉस्पिटल, ज़्यादातर लोग घर पे अपना स्वयं से इलाज कर लेते, वो सही है, वो चीज़ सही है, घर पे अपने तरीके से थोड़ा अपना इलाज कर लें, काढ़ा वाढ़ा जो भी है। क्योंकि हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में जाने के बाद अच्छे से मतलब जो थोड़ा बहुत है और इन्फेक्शन और फैलने का चांस बढ़ जाता है हॉस्पिटल में जाने से। इसलिए घर पे मतलब आजकल तो सिम्टोमेटिक्स भी दिख रहा है, मतलब सिम्टम भी नहीं दिख रहा है, लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अगर लक्षण अभी आ रहे होंगे, सर्दी जुकाम खांसी ये सब, तो उसमें आप काढ़ा, ये आयुष का काढ़ा बहुत ही उपयोगी है, इसे इस्तेमाल ज़रूर करें या घर पर बनाएँ। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।